नाबालिग से छेड़खानी का अपराध कारित करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियुक्त साहुल कुमार पुत्र उमा प्रसाद निवासी ग्राम मठिया थाना पिपराई जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर नकली नोट बनाने और देश के अलग अलग हिस्सों में खपाने के काले धंधे का भंडाफोड़ हो गया है। यूपी एसटीएफ ने भोजपुर पुलिस के साथ पीपल साना इलाके में छापेमारी कर नोट छापने की मशीन और 1 लाख रुपए की जाली करेंसी के साथ 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। व्यापारण करने के आरोप में वांछित अभियुक्त हरेंद्र उर्फ दीपक पुत्र दिनेश प्रसाद निवासी बेलमा रामकोला थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। शादी से इनकार करने पर युवती पर बांका से किया हमला, हालत गंभीर। सालों से हैंडपंप खराब, कैसे बुझाएं प्यास, गर्मी में पीने के पानी को तरस गए हैं गरियाकोल गांव के दर्जनों घर के लोग। सुंदर बीवी पाने की चाह में कराई थी तीसरी पत्नी की हत्या, आरोपी पति समेत 3 गिरफ्तार। विगत दिनों तमकुहिराज कस्बा में हुए एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया पति के इशारे पर उसके भांजे सहित 2 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या किया है। मृतक आरोपी की तीसरी पत्नी थी और सुंदर बीवी पाने की चाह में हत्या कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों के पास गायब मृतका का मोबाइल भी बरामद हो चुका है। पुलिस ने पति सहित 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तम कुहिराज पुलिस की इस खुलासे पर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम घोषणा किया है। ग्राम पंचायत जैतपुर में आईआईटी रुड़की की इंजीनियरिंग टीम देखरेख शुरू कराया आवास निर्माण कार्य। 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, गोला गोरखपुर। गोला नगर पंचायत के बेवरी गांव में डंडा व ईंट से मारकर 60 वर्षीय वृद्ध लल्लन की हत्या कर दी गई। हत्या के दूसरे दिन 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वैसे पुलिस हत्या के अनेक बिंदुओं पर नजर टिकाए हुए है। मृतक के पुत्र रणधीर ने तहरीर देकर कहा था कि गांव में हमारे पड़ोसियों से हमारी पुरानी रंजीश से उन्हीं लोगों में से रोकी पुत्र राम गुलाम, कृष्ण पुत्र सुरेश व उसकी माता रीना और महेंद्राव गांव निवासी दीपक ने मिलकर मेरे पिता पर लाठी डंडों व ईंट से हमला कर घायल कर दिया था। अस्पताल के चिकित्सकों ने मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया। गोला थाना क्षेत्र के गोला कौड़ी राम सड़क मार्ग पर स्थित चिलवा पुल के पास लगभग 2500 वर्षों से झोपड़ी डालकर पत्थर कट बिरादरी के दर्जनों परिवार के लोग रह रहे हैं, जो सिलबट्टा चाकी और जाता बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं। इधर आधुनिक तकनीक के चलते इनका व्यवसाय करीब करीब नहीं के बराबर चल रहा है। अब इनके खाने पीने की मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साफ सफाई का अभाव, 500 सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत साफ सफाई का भारी अभाव देखने को मिल रहा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य की छत का भवन है, जहाँ पे घास जमी है तो कहीं पे दारू की बोतल पड़ी हुई है तो कहीं पे पाउच पड़ा हुआ है। ऐसे में साफ सफाई का अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं। इस संबंध में चिकित्साधिकारी ने बताया कि जल्द ही साफ सफाई साफ सफाई की व्यवस्था पूरी घास जाम गई है खेती की तरफ। ऐसे में साफ सफाई की व्यवस्था, साफ सफाई में भी आज ही मैंने उसको निरीक्षण किया है, निरीक्षण करके जहाँ जहाँ था मैंने बोल दिया है एक ही सुपर है उसको पूरा आजकल देखा पता, तो मैंने बोला धीमे धीमे करके उसी नाते पसीज रहा है पानी चू रहा है, मैंने कहा उसको एक किनारे से धीमे धीमे करके साफ कर। खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया से सुनने ने कहा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की गई है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह चिट्ठी इशारे पे काम कराया जा रहा है।
कि दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी, महिला खिलाड़ियों को गंदी गंदी गालियां दी गई, वहां पर हाथापाई की गई, लाठियां चलाई गई। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, ये सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है कि गंभीर आक्षेपों से घिरे भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर से यह कह दिया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कह देंगे मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तो आज सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जा का लगा आरोप, बास दौतहसील में पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। वो यहाँ से लेते तहसील तक लगातार चक्कर लगा रहा है, परंतु अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण वो परेशान है। मामला बाजगांव तहसील का बताया जा रहा है। पीड़ित ये वृद्ध है और वो बार बार चक्कर लगा रहा है। अपन इदरीस कहाँ आये बाटे? कौन चीज से दरखास्त है? जमीन पर दखल कर के कब्जा कर गए। कितना जमीन बा? कितना डिसमिल जमीन बा? दुबरवा पर कब्जा कर दो साल ढेर ओकर जमीन तीसी पीछा है, अगर खोज कर लेगा। कानून व्यवस्था का हाल खराब है। बसपा के जिला कमेटी के सदस्य ने बताया कि कानून व्यवस्था का हाल खराब है, हर जगह अराजकता का माहौल है, लोगों में काफी रोष है। इससे बेहतर तो शासन व्यवस्था बसपा के शासन काल में नहीं है। आम लोगों को चैन था, कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त। व्यवस्था कैसा चल रहा है? कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो प्रदेश में और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था, हम बहुजन समाज पार्टी से बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही, उसमें बेहतर चल रहा था। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बच्चों ने लगाया गंभीर आरोप। बरालगंज में स्थित एक विद्यालय के खिलाफ छात्रों ने गलत आरोप लगाया है। उन छात्रों का कहना है कि आरोप है कि विद्यालय में राष्ट्रांग नहीं होता है, न ही छात्रों को तिलक और हाथ में तलाई में रक्षा सूत्र बांधने की अनुमति है, जिससे छात्रों एवं विद्यालय में प्रशासन में काफी रोष है। हम ये चाहते हैं स्कूल पे कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पड़े। ये स्कूल के बच्चे, मतलब पहले राष्ट्रगान होता नहीं था, इस समय कुछ दिनों से, मतलब वर्षों से राष्ट्रगान हो रहा है। बच्चे जाते हैं स्कूल में तो रक्षा सूत्र और टीका लगाने पे रोकते हैं, बाद में प्रताड़ित करते हैं लोग। ये सारी बातें आपको कैसे? चुनाव के दौरान दारू वितरण का वीडियो हुआ वायरल। बाजौन नगर निकाय के चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए दारू का वितरण किया गया, जो दारू पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हलचल में आई। वहीं प्रत्याशी के समर्थकों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और वीडियो का फुटेज भी भेजा। अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के जुगाड़ में लगे हुए थे। सुरेश सिंह अर्जुन है, मैं नगर पंचायत बासमा वार्ड नंबर 11 का निवासी, 42 पट्टी का। हम लोगों ने चुनाव के एक दिन पहले 2 तारीख और 3 तारीख के बीच में भी पुलिस से शिकायत की थी कि यहाँ सभी वार्डों में कच्ची दारू का घर पे उसको पैक करके वितरण किया जा रहा था वार्डवासियों को, जो जहरीली भी थी। कई बार पुलिस से अवगत कराया गया और उसका वीडियो बनवाया गया, जो वीडियो हमने पुलिस अधिकारी लोगों को भेजा भी है, और उस पर हमने कहा कि सर इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कच्ची दारू से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और वार्डवासियों को दिक्कतें भी आ रही हैं। लोग जबरदस्ती उनके घर में दारू फेंक फेंक के जा रहे थे कि नहीं तुम लोग पियो और ये करो करो, ऐसी दुर्व्यवस्था।